Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार बेटे दानिश अखलाक की जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे मेरठ के पूर्व सांसद व पूर्व मेयर हाजी शाहिद अखलाक ने कहा कि उनके बेटे को झूठे आरोप में फंसाया गया है। जब तक जमानत पर कोई फैसला नहीं हो जाता वह इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वहीं दानिश अखलाक के अधिवक्ता अजय त्यागी ने कहा कि युवती द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं। सामने आ रहे तथ्य लगाए गए आरोपों से मेल नहीं खा रहे हैं। दरअसल दिल्ली की युवती ने मेरठ के क्रोम होटल में दानिश अखलाक द्वारा बलात्कार करने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद पुलिस ने दानिश अखलाक को 26 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एक माह बाद आज पहली बार इस मामले में पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक मीडिया के समक्ष आए। फर्स्ट बाइट डॉट टीवी से वार्ता करते हुए शाहिद अखलाक ने यह कहा, भाई साहब आज तारीख थी बच्चे की, जमानत के ऊपर बहस हुई है और जब तक कोर्ट से कोई निर्णय नहीं होगा हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। दानिश पे आरोप लगे हैं वो सही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते इस वक्त। अभी तो कोर्ट तय करेगा, जुडिशियल मैटर है। हमारे वकील साहब त्यागी जी खड़े हैं और हमारे वकील साहब बड़े वकील साहब थे और साजिद एडवोकेट साहब थे, ये इन लोगों ने बहस करी है और जब तक कोर्ट का निर्णय आ जाए, जुडिशियल मैटर है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाई प्रोफाइल मामला है, षड्यंत्र रचा गया लड़के को फंसाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे राशिद भाई? मैं इस मामले में जनाब आला, मैं आप लोगों को फिर जजमेंट आने के बाद में आप तशरीफ लाइए, मैं बात खुले करूंगा। देखिए इसमें दानिश को अखलाक को बिल्कुल झूठा फंसाया गया है और ये एक राजनीतिक परिवार का लड़का था। राजनीतिक परिवार का लड़का होने की वजह से उसके परिवार की छवि को धूल धूसरित करने के लिए उसे फंसाया गया है। इसके केस में कोई दम भी नहीं है। अब तक की उसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या लग रहा है? अब तक की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल हाईली इम्प्रोबेबल है, बिल्कुल भी कोई सी भी धारा उसके खिलाफ नहीं बनती है। लड़की ने बयान FIR में कुछ दिया है, घटना का समय कुछ बताया है, 164 के बयान में घटना का समय कुछ बताया है। उसने ना अपनी अंतरिम डॉक्टरी कराई है ना DN ने कराया है, और जो 376 में चार तरह की डॉक्टरी जरूरी होती है, लड़की ने स्पष्ट डॉक्टर के सामने और पुलिस के सामने इनकार कर दिया, मैं कोई डॉक्टरी नहीं कराना चाहती। क्या लड़की का षड्यंत्र उजागर हो रहा है जिस तरीके से इतना हाईलाइट किया गया है मामले को? अभी ऐसी कोई अभी कोर्ट में मामला हमारा विचाराधीन है, आज बहस हो गई है, निर्णय सुरक्षित है। जब कोर्ट का निर्णय आ जाएगा हम आपको सारी बात बता देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।